लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बने 28 दलों के गठबंधन इंडिया में अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो सकी है। लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया कि वो राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा, जबकि बंगाल में वो अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, ना तो कांग्रेस और ना ही वाम दलों के साथ समझौता करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करते हुए ममता ने गुरुवार को उत्तर 24 परंगाना जिले के चकला में कार्यकर्ता सम्मेलन और एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, नागरिकता कार्ड हर लोकसभा चुनाव से पहले मतुआ समुदाय के वोटों को लुभाने की एक चाल है। टीएमसी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सवाल उठाया। टीएमसी ने लिखा, बीजेपी द्वारा सीएए मुद्दे को हर साल उछालना लोगों को बरगलाने और वोट हासिल करने की एक चाल मात्र है। उन्होंने नागरिकता के झूठे वादे से मतुआ समुदाय को बार बार गुमराह किया। अगर मतुआ वैध नागरिक नहीं होते तो उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड कैसे होते? उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ कैसे मिलता? उन्होंने परगना जिले के समुदाय के विकास के लिए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करते हुए पूछा, मतुआ ठाकुरबाड़ी के लिए विकास का काम किसने किया? ये हमने किया। हमने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का निर्माण भी कराया, लेकिन हर चुनाव से पहले वे मतुआ ठाकुरबाड़ी आ जाते हैं और वोट मांगते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि वे सभी देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो आपको मुफ्त राशन, स्वास्थ्य साथी, पैन कार्ड, आधार कार्ड कैसे मिल रहा है? पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे छीन लिया गया है क्योंकि वे लोगों को बांटना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 1971 में बांग्लादेश से आए बंगाल मथुआ समुदाय के लोग कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन हम उन सभी कॉलोनियों को चिरस्थायी ठिकाना नाम से पट्टा दे रहे हैं ताकि उनका स्थायी आवास सुनिश्चित हो सके और उन्हें शरणार्थियों की तरह नहीं रहना पड़े।